हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फाइनली हलचल वालों ने अपनी जो वेब सीरीज कॉर्पोरेट कांड उसकी पार्ट वन रिलीज कर दिया है कल रात में, और उस वेब सीरीज को मैंने देख लिया। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों उस वेब सीरीज की फुल रिव्यू देने वाला हूँ। और ये वेब सीरीज दोस्तों इतना खतरनाक लेवल की हुआ है कि ये सीरीज बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली जनिता डी क्रॉस, शुभांगी शर्मा। दोस्तों इस सीरीज के अंदर 3 एपिसोड देखने को मिला है, और ये तीनों एपिसोड के अंदर तीनों अलग अलग एक्ट्रेस के सीन सस्पेंस देखने को मिला है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर शुभांगी शर्मा के सीन सस्पेंस देखने को मिला है, और ये सीन सस्पेंस बहुत ही अच्छा है। स्पेशली क्लाइमेक्स वाला सीन वो दोस्तों बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा मजा देकर जाता है। और सेकेंड एपिसोड के अंदर दोस्तों जनिता डी क्रॉस की जो सीन सस्पेंस देखने को मिला है ये बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जनिता डी क्रॉस की ये अब तक की सबसे बढ़िया सीन है। और ये जनिता डी क्रॉस की केक वाला सीन है, तो ये जनिता डी क्रॉस के केक वाला सीन दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। और थर्ड एपिसोड के अंदर दोस्तों सिया सिंह की सीन सस्पेंस देखने को मिला है, लेकिन योगिनी सीरीज की तरह उतना अच्छा खासा लेवल की सीन सस्पेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मजा देता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों पार्ट टू के अंदर सिया सिंह की जो सीन सस्पेंस वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सीरीज तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस सीरीज की सेकेंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड, ये दोनों एपिसोड दोस्तों बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। और मैं ये स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद जाके इससे एक्सपीरियंस करो, इसे देखो और इस चीज़ की मजा लो। तो दोस्तों अगर आपने देख लिया है तो ये सीरीज कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना।